Audio Jungle. गुजरात में आतंकवादी के गिरफ्तार होने के बाद गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया, जिसके बाद सुरक्षा की व्यवस्था की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी रुचिवर्धन मिश्र ने बताया कि इंदौर शहर में पुलिस चेकिंग बढ़ा दी गई, रात को सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और किसी भी संदिग्ध स्थिति का आभास होने पर इंदौर पुलिस द्वारा उस पर विशेष चेकिंग हो रही है। को लेकर के और आगामी त्योहारों के मद्देनजर अभी विशेष चेकिंग अभियान किया जा रहा है, जिसमें जो वाहन चेकिंग है और साथ ही साथ जो ऐसे प्लेसेस हैं जो जहां संदिग्ध लोगों की आवाजाही हो सकती है उनको लगातार रैंडमली और एक रोस्टर बना करके चेक किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं देर रात में अपने क्षेत्रों में भ्रमण पर रहें, और साथ ही BDDS टीम हमारी जो है जो एंटी डिमॉन्स्ट्रेशन और बॉम्ब डिस्पोजल डिटेक्शन टीम जो है वो काम करती रहती है, वो लगातार वो जो शहर के जितने व्यस्ततम प्लेसेस हैं खासतौर से जहाँ ये बाहर से यात्री आना जाना करते हैं, जो बड़े मॉल्स हैं, उन सब में सुरक्षा के ड्रिल, सुरक्षा की जो चेकिंग है वो सभी जारी है।